और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय प्राची बेहद ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि दोस्तों उसे अपने एक्स हस्बैंड यानी रणबीर का वेलकम करना पड़ रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी एक नहीं बल्कि कई टूट लाती हुई नज़र आ रही है। इस समय अक्षय की बहन के हस्बैंड बन चुका है रणबीर, और रणबीर इस समय इस हिसाब से प्राची का लगता है नंददेव, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महिका का इस समय सबसे बड़ा स्वागत करती हुई नज़र आने वाली है प्राची। हालांकि प्राची बोलती हुई नज़र आने वाली है कि इस तरीका से स्वागत नहीं होता है क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। जिसके बाद में आप लोग जानते हैं कि इस समय रणबीर भी पोल खोलता हुआ नज़र आने वाला है। रणबीर पोल खोलेगा प्राची से और बोलेगा कि प्राची तुम्हारा और अक्षय का क्या परमानेंट है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में चार चांद लगते हुए भी नज़र आने वाला है, क्योंकि रणबीर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं एक्सपोज तो ज़रूर करके रहूंगा प्राची को, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और दोस्तों ये एक नहीं बल्कि इस समय कई रीज़न बोलती हुई नज़र आ रही है ये कहानी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में एक और भी नया दिलचस्प ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है, जब प्राची खुद तिलक लगाकर अपनी ननंद और नंददेव यानी रणबीर का भी स्वागत करेगी। वहीं पे अक्षय की बात की जाए तो अक्षय पहले से ही रणबीर को पता है कि वे प्राची का एक्स हस्बैंड है, और दोस्तों इस समय आखिरकार अपनी बहन की खातिर अक्षय को वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा रणबीर का, क्योंकि दोस्तों रणबीर ने जो किया है वो इस समय प्राची को बदला दिलाने के लिए, ताकि वो प्राची को याद तो करे किसी तरीका से। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट।